Hi everyone. Section 121 of IPC discuss करेंगे इस वीडियो में. Section 121 कहता है waging war. अब मैंने introduction में जैसे बताया कि chapter 6 of IPC चार broad classifications में divided है. उसका एक बहुत important है which is waging war. अब waging war भी के अंदर भी दो sub category है. या तो पहला waging war against government, दूसरा against power. Against power means कंट्रीज, या तो फ्रेंडली कंट्री हो या कोई नेबरिंग कंट्री हो, किन्हीं के भी अगेंस्ट. अब हम लोग आते हैं सीधे डायरेक्टली सेक्शन 121 पे, विच इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब सेक्शन 121 वेजिंग वॉर को भी पनिश करता है, अटेम्प्ट टू वेज वॉर को भी पनिश करता है, और अबेटमेंट ऑफ सच वेजिंग वॉर को भी कमिट करता है. को पनिश तीनों, इन तीनों इनकोहेट सब्सटेंटिव ऑफेंसेस को आपको पनिश करने के लिए पनिशमेंट है डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन. अब इसके पहले हम समझते हैं कि मतलब क्या होता है. अगर मैं कहूं वेजिंग वॉर, व्हाट डज इट मीन टू वेज वॉर. मीनिंग इसका नजीर खान एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में दिया गया था. ये कहते हैं कि one of the most important element होता है कि किसी sovereign of the state को throw करके उनकी allegiance खुद पे ली जाए. मतलब आप समझो जो government power में है उनको किसी बात को मनवाने के लिए आप war wage कर रहे हैं, या उनको हटा के खुद को power में आने के लिए आप steps ले रहे हैं. ये हो गया waging war. Just आप समझो पुराने जमाने के समय में कैसे foreign इन्वेडर्स आते थे इंडिया में, इन्वेड करके यहाँ के तख्त खुद ले लेते थे. कहते मुस्लिम रूलर्स, मुगल्स, ये आकर इंडियन एम्परर्स को डिफीट करते थे, वॉर वेज करते थे और इंसरक्शन करते थे. देयर मस्ट बी एन इंसरक्शन, देयर मस्ट बी फोर्स अकॉम्पनिंग दैट इंसरक्शन, एंड इट मस्ट बी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ जनरल नेचर. तख्ता पलट करने के लिए जिसको कहते हैं, खुद तख्त लेने के लिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बस आर्म्स कलेक्ट करके आप स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे नक्सलाइट्स, वो वेजिंग वॉर के अंडर नहीं आते. क्यों? क्योंकि उनको उनको पावर नहीं चाहिए, इन द सेंस उनको गवर्नमेंट पे पोजीशन नहीं चाहिए. दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट नॉट फॉर कमिंग टू द पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट. इंटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. अब हम आते हैं इंटेंशन के एलिमेंट पे सेक्शन 121 में, कि आप इस इंटेंशन से वॉर वेज करो कि आपको गवर्नमेंट की पोजीशन लेनी है. दैट इज इन मैनर यूजुअल इन अ वॉर. जैसे मैंने आपको पुराने जमाने का एक्सप्लेनेशन दिया. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो जैसे नक्सलाइट्स का हमने एग्जांपल लिया, वो क्या करते हैं, उनके पास आर्म्स का पोजीशन रहता है, एम्यूनेशन का रहता है, और When called upon to surrender, जब उनको सरेंडर के लिए कहा जाता है तो वो यूज करते हैं राइफल एंड एम्यूनेशन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के ट्रूप्स के अगेंस्ट, पुलिस फोर्स के अगेंस्ट, सीआरपीएफ के अगेंस्ट. बट ये वेज वॉर नहीं कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इनकी इंटेंशन होती है ट्रूप्स को हराने की, गवर्नमेंट को हराने की. ये नहीं कि इन ट्रूप्स को ओवरवेलम करके वो गवर्नमेंट की पोजिशन ले लेंगे. ड्रोन तख्ता पलट करने का इनका इंटेंशन नहीं होता है. तो ये देखो एक स्टेप वाइज यहाँ डिस्कस्ड है, टू ओवरवेलम एंड डिफीट दीज ट्रूप्स एंड देन गो ऑन एंड क्रश एनी फर्दर ऑपोजिशन विद विच दे माइट मीट अंटिल ईदर लीडर्स ऑफ द मूवमेंट सक्सीड इन ऑब्टेनिंग द पोजिशन ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट. कि जब तक लीडर है उस मूवमेंट के, कौन से मूवमेंट, जो वॉर वेज कर रही है, वो सक्सीड नहीं कर रही है ताकि गवर्नमेंट की पोजिशन आए उनके पास, और उनके जो लीडर्स हैं, गवर्नमेंट के लीडर्स हैं, वो सरेंडर ना कर दें अपने डिमांड से, उनकी डिमांड्स मीट ना हो जाए. ये था ऑल ऑन सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी.